नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों मैं बनाने जा रहा हूँ कुकर के अंदर नमकीन गोश्त, जो कि बहुत आसानी से और बहुत जल्द बन जाता है, और मैं साथ साथ इसको खाता भी हूँ। जब तक आप देखिए कैसे बनता। तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रहा हूँ नमकीन गोश्त, और ये बनाने जा रहा हूँ मैं कुकर के अंदर। और उसके लिए ये मैंने पीस ले लिया है बीफ के, जो ब्रेस्ट या चेस्ट पीस है वो है, और इसका वज़न है तकरीबन 1.25 किलो। इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे कि लेयर्स की शक्ल में होता है, और इसके अंदर ये चर्बी भी नेचुरली होती है। हम इंशाल्लाह ताला ब्रिस्किट भी बनाएंगे बाद में, तो उसके मुताबिक फिर मज़ीद बात बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। इस वक्त ये पीस इस तरह का आप पीस ले सकते हैं, इससे बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं कुकर में बना रहा हूँ और एक डेमोन्स्ट्रेट ही कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक छोटा सा पीस लिया है। हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको मैंने धो भी लिया है और अच्छी तरीके से इसको साफ़ खुश कर लिया अभी मैंने, और इसके अंदर अब मैं ये फोर्क के ज़रिए से फोर्किंग करूँगा, ताकि हम इसके ऊपर नमक लगाएंगे तो वो इसके अंदर तक चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसको थोड़ा सा हमने ज़रा हैवी हाथ के साथ मारना है, ताकि सुराख गोश्त में अंदर तक हो जाए। अच्छी तरह से फोर्किंग कर लेने के बाद अब मैं इसके ऊपर मैं अंदाज़े से नमक लगाऊँगा, जो कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नमक छिड़क देने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर मल दूंगा, और इसकी जो अपोज़िट साइड है उस पर भी मैं नमक छिड़कूंगा, इसके साथ साथ साइड पर भी छिड़कूंगा। अब इसके ऊपर नमक लगा देने के बाद इसको हमने कोई टाइम नहीं देना, बल्कि हमने इसको एक तरफ करना है और पकाने की तैयारी करनी है। गोश्त पर नमक लगा लेने के बाद अब हम पकाने के लिए रेडी हैं, और उसके लिए मैं ये करूँगा कि ये मैंने कुकर रख लिया है, और कुकर के अंदर जो हमने इस पर नमक लगाया था हमने गोश्त पर, इस गोश्त को मैं इस कुकर में शामिल कर दूँगा, और साथ ही ये मैंने एक अदद लहसुन का एक गट्ठा सा ले लिया है। ये इसको मैं इस तरह साबित ही इसके अंदर धो लिया है मैंने, और इसको मैं इसी तरह शामिल कर रहा हूँ, और ये अदरक कुछ मैंने छील लिए और इसके मैंने कुछ पीसेस कर लिए, ये भी मैं इसके अंदर इसी तरह शामिल कर रहा हूँ। ये इसमें शामिल कर लेने के बाद अब मैं इसके अंदर 6 गिलास पानी शामिल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेसिपी जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। एक तो ये कि इसके अंदर आप फ्रेश गोश्त इस्तेमाल करें, और यानी ताज़ा जब आए, तो इसके अंदर आपको ना मैरिनेट करने के लिए इसको ज़्यादा टाइम देना है, ना इसको आपने कट्स वगैरह लगाने हैं। बस फोर्क किया और फोर्क करके, तो इसके बाद इसके ऊपर नमक छिड़क के, तो इसके बाद इस तरह इसको पकाने के लिए रख दिया। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी साबित हो सकती है, आम दिनों में भी और ईद के दिनों में भी। तो याद रखिए कि फ्रेश गोश्त से ये ज़्यादा मज़ेदार होगा। अब मैंने इसके ऊपर ये इसकी लिड लगा दी है, और इसके ऊपर मैं ये वेट भी रख रहा हूं, और इसके नीचे मैं हाई फ्लेम ऑन कर दूंगा। अब मैंने इसको 45 मिनट का प्रेशर देना है। तो अगर आपके पास ये गोश्त इस तरह साबित ना हो और आपने उसको पीसेस में काट लिया हो, तो आप 45 मिनट के बजाय 40 मिनट दे दें, और ये भी डिपेंड करता है आप कौन से इलाके में हैं। तो आप अपने हिसाब से, अगर आप जानते हो कि किस इलाके में कितनी रिक्वायरमेंट होती है गोश्त को गलाने के लिए, तो उस हिसाब से टाइम दे दें। अगर छोटे का गोश्त हो यानी मटन हो, तो उस सूरत में अगर बड़ा पीस शामिल कर रहे हैं तो 25 मिनट दे दें, और अगर छोटी बोटियां शामिल कर रहे हैं तो 20 मिनट दे दें। तो अब मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया, आग इसके नीचे मैंने जला दी है, तो इसको 45 मिनट का मैं प्रेशर दूंगा इंशाल्लाह। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी मुश्क के टीलों पर होंगे, इन पर पहले और बाद वाले सब रश कर रहे होंगे। नंबर 1, मुअज्जिन जो 5 नमाजों के लिए आज़ान देता है। नंबर 2, इमाम जिससे इसके मुक्तदी राज़ी हो। नंबर 3, ऐसा ग़ुलाम जो अल्लाह का हक भी अदा करे और अपने मालिकों का भी। तो दोस्तों आप 45 मिनट गुजर चुके हैं, मैं इसके नीचे चूल्हा अब कर रहा हूँ बंद, और इसके ऊपर से ये वेट मैं नहीं हटाऊंगा, और इसको इसी तरह मैं छोड़ दूंगा तब जब तक कि इसकी भाप निकलती है। अब जबकि इसकी भाप निकल चुकी है, तो मैं अब इसका वेट हटा रहा हूँ,
और मैं इसको खोल लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हियर वी गो। ये देखिए, ये रहा हमारा गोश्त। लेट्स टेक इट आउट और चेक करते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। और ये देखिए, माशाल्लाह। और अब हम इसको देख लेते हैं कि ये गलावा कैसा है। पहले इसकी हड्डियां रिमूव कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, ये देखें, और ये देखिए, लुक एट दिस। और अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखें जनाब, ये रहा हमारा गोश्त, माशाल्लाह। जूस आप देख रहे होंगे इसके अंदर, पानी, माशाल्लाह। अभी तो हमने इसके अंदर जो इसका बकाया पानी है वो भी शामिल करना है। ये देखें, माशाल्लाह, माशाल्लाह। यहाँ देखें, और अब हम इसको पलट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, मेरा हाथ लगाना ज़रा मुश्किल हो रहा है, बहुत सख्त गर्म है, हड्डियाँ। ये देखें, ये हमने अपने इस गोश्त को अलहदा कर लिया है। और इस गोश्त को अब इस तरह से अलहदा कर लेने के बाद, ये जो हमारे पास पानी इसमें बच गया है हमारे कुकर में, जो इसकी क्या कहते हैं थोड़ी सी तरी है, वो इसके ऊपर मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये तैयार है खाने के लिए, तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं इसको कुछ ट्राई कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मज़ेदार। वीडियो ना ख़त्म करनी होती ना तो मैं सारा खाता, लेकिन मैं कुछ और ज़रूर खाऊंगा। देखिए, बहुत शानदार गली है। और ये जो इसके अंदर से हमारा पानी बचा था आखिर में, उसके अंदर मैं इसको डिप भी कर रहा हूँ। ये देखिए, खुद भी जूसी से जूसी है गोश्त, और ये इसके अंदर मैं डिप भी कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार बन गया। तो अब आपने बड़ी ईद पर रहना नहीं है इसके बगैर, ये ज़रूर बनाना है, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ख़ास तौर पर इसका जो चर्बी वाला पोर्शन है, मुझे पता है कि सबके सब जो है वो चर्बी पसंद नहीं करते, मगर आई लाइक चर्बी। बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं खाता, लेकिन खाता ज़रूर हूँ। तो ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए, और मुझे अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर आगाह कीजिए, क्योंकि मैं आपकी फ़ीडबैक का मुंतज़र रहूँगा फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ रहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने व्यूअर्स का, जिन्होंने मेरी रेसिपीज ट्राई की और मुझे अपना फ़ीडबैक दिया, और उन्होंने अपना टाइम निकाला और मुझसे मोहब्बत का अपना इजहार किया और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई किया। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे व्यूअर्स मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं और मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मेरी असल में कोशिश यही है कि जिस तरह से मैं एक रेसिपी ट्रायर हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बल्कि मेरा एक शौक़ है पकाने का भी और खाने का भी। तो मेरा ये शौक़ है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी मुझे देखकर ख़ुद पकाने और ख़ुद सर्व करने और ख़ुद चीज़ें पहचानने वाले बन जाएं। और कुकिंग जब फ़न मूड में की जाए तो बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही उसके अंदर मज़ा आता है। लाजमी नहीं है कि हर चीज़ परफेक्ट बने, क्योंकि परफेक्शन में तो बंदा बोर हो जाता है। मामला यह है कि हम कोशिश करें और चीज़ों को समझें और चीज़ों को ट्राई करें, गलत भी करें और सही भी करें, और गलत करने पर अपनी एफर्ट्स को रोकें नहीं, बल्कि हम दोबारा ट्राई करें। तो बहुत शुक्रिया व्यूअर्स अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर करने के लिए। आइंदा भी अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर करते रहिए और मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।